अभिषेक मल्हान और मुनावर फारूकी की एक चैट लीक हो चुकी है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर फैन वॉर स्टार्ट हो चुका है। भाई मुझे एक तरफ का तो चलो समझ में आया है, पर दूसरी तरफ का मुझे फैन वॉर समझ में ही नहीं आ रहा है कि आखिरकार वो क्यों इतना ज़्यादा सुना रहे हैं दूसरे फैंडम को। मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आखिरकार ये माजरा क्या है, ये गॉसिप क्या है। तो जल्दी जल्दी मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो कि आप लोग मेरे इंस्टाग्राम का भी कॉन्टेंट देख पाएँ और आप एंटरटेन हो पाए। तो गाइज, मुनावर फारूकी के साथ अभिषेक मल्हान यानी कि फुकरा इंसान ने इंस्टाग्राम पे बात की, जो कि चैट हो चुकी है लीक। चैट में सबसे पहले स्क्रीनशॉट दिखाया गया है, कर दो, मैंने सोचा था कुछ डालने, स्टैंड अप कॉमेडियन के मजे लिए हैं तुमने, हा हा हा, जो इमोजी है ना रोते हुए वो वाला, वेट फॉर पंचलाइन। ये सब चीजें मुनावर फारूकी बोल रहे हैं अभिषेक मल्हान को। अभिषेक मल्हान बोलते हैं ये बात सुन के, जब मुनावर बोलते हैं वेटिंग वेट फॉर पंचलाइन, तो अभिषेक मल्हान बोलते हैं हा 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 डन ऑडियंस। फिर मुनावर बोलते हैं ऑडियंस को भी मजा आएगा। इसके बाद जो है इसकी आगे की कन्वर्सेशन कहाँ है, इसके आगे की कन्वर्सेशन मुनावर फारूकी ने ही शेयर कर दी है। आगे की कन्वर्सेशन ये है हा 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 डन, जो अभिषेक मल्हान बोलते हैं फुकरा इंसान बोलते हैं। फिर बोलते हैं मुनावर फारूकी ऑडियंस को भी मजा आएगा। तो फिर अभिषेक जो फुकरा इंसान बोलते हैं ट्रॉफी के साथ, ट्रॉफी का सिंबल डाल के वेटिंग। फिर उसके बाद फुकरा इंसान बोलते हैं मस्त हो यार आप। उसके बाद बोलते हैं मुनावर फारूकी तुम्हारे टैक्स में ट्रॉफी सूट नहीं करती है, क्योंकि वेटिंग का जब उन्होंने टैक्स भेजा तब उसके आगे जो है ट्रॉफी का सिंबल डाला, जहां पर मुनावर फारूकी ने जो है फुकरा इंसान को रोस्ट कर दिया। बिकॉज वो एक्चुअली में क्या भाई, सच में आप लोगों को तो पता ही है ना कि वो रनर अप है, तो उनको ट्रॉफी नहीं मिली। उन्होंने खुद भी बोला था कि भाई किसी को अभिषेक नाम के, अभिषेक को कभी भी ट्रॉफी नहीं मिल सकती है, नाम चेंज करके आना पड़ेगा। अब जो है इसकी फैन वॉर स्टार्ट हो चुकी है। लोगों का कहना ये है कि भाई फुकरा इंसान को मुनावर फारूकी बहुत सारी चीज़ें सुना रहा है, उसने रोस्ट क्यों किया, उसको क्यों ये सब चीज़ें बातें बोली। वहीं पर जो है अभिषेक मल्हान के भी लोग ये बात बोल रहे हैं कि अभिषेक को ऐसी बातें क्यों करनी चाहिए उसके साथ। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है अभिषेक मल्हान ने आखिरकार मुनावर फारूकी को ऐसा बोला क्या है, कुछ भी नहीं, बहुत अच्छे से कन्वर्सेशन हुई है। तो अभिषेक मल्हान के फैंस आखिरकार क्यों चढ़े हुए हैं, क्यों इतना ज़्यादा बोल रहे हैं मुनावर फारूकी के फैंस को। मुनावर फारूकी ने यही बात बोला था इस चैट में कि वेट फॉर पंच लाइन, तो ऑडियंस को भी मजा आएगा। तो उसने एक्चुअली में पंच लाइन बोल दी है इसे चैटिंग में, तो वहां पर एक रोस्ट, एक दोस्ती के बीच में जो है हम मस्ती मजाक कर लेते, ये मस्ती मजाक है, तो फैंडम जो है आपस में भिड़ चुके हैं। तो क्या आप लोग मुझे समझाएंगे कि आखिरकार अभिषेक मल्हान के फैंस को इस चैट में बुरा क्या लगा है, और मुनावर फारूकी के जो फैंस हैं, अभिषेक मल्हान के फैंस को बुरा ये लगा है कि जो है मुनावर फारूकी ने ये सब चीज़ें बोल दी है। पर आखिरकार अभिषेक मल्हान ने ऐसा क्या किया है जो कि मुनावर के फैंस को बुरा लग गया है, मैं वो चीज़ आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप लोग मुझे बताएंगे। इसी के साथ मैं लेती हूँ इंसान से, नमस्कार।